ते भाई हुण थोड़ा जा सी थोड़ा सा पेट पूजा करते हैं, हल्की फुल्की धूप में, नहीं भूख में, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक, ते ए जी पी रहे असी कश्मीरी चाय। मैं माइक्रोच गर्म करांगी और फिर मज़े ना बैठ के पियांगी, इस नाल लत्तड़ ना गल्ला करांगे। देखो ना, ए तैयार मिलती है चाय जेड़ी है ना, बिल्कुल कश्मीरी चाय है, बिल्कुल तैयार मिलती है, कश्मीरी टी ते नाल मिल जाता है। पिस्ता, पिस्ता तो खैर थोड़ा जिहा देंदे ने, इन्ना कंजूसी दे नाल देंदे ने, ते मैं कल्ली नहीं एक कप च पा के कर जाना हजम, तो बहुत टेस्टी होंदी है। साढ़े इत्थे शॉप है, बेकरी है, उत्थों मिलती है, उत्थों लैके आने हैं, तो फिर बड़ा ज़्यादा इतने सर्दी तो रहती है, तो जो फिर दिल करता है पा के कप च गर्म करो तो पी लवो। अस्सलामु अलैकुम, की हाल चाल है ताड़ा, ठीक ठाक हो तुसी सारे, कैसी तबीयत है ताड़ी सारियां दी। ते कल मैं जो पकौड़े तो समोसे आए साढ़े वाल, मैं कहा कि भाई असी बैठ के गल करने हैं, मैं फटाफट खलारा समेट लवा तो फिर असी गल करने हैं, पर इन्नी देर हो गई सी, यकीन मन लो कि फिर टाइम ही नहीं मिलिया, क्योंकि जो बच्चे आ जाते हैं ना उदों फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता, शोर शराबा हो जाता, किसी पास बंदा गल नहीं कर सकता। तो सब तो पहले मैं अगर देख मेरा शगुफ्ता, मैं उन्होंने मैसेज देना चाहूँगी, शगुफ्ता, समीना, मलिक सादिक और इस्माइल बेग साहब, इन्हों का मेरे मैसेज आए कि तुम लाइव क्यों नहीं आते, लाइव आओ तो असी फिर उस तरह गपशप अपनी स्टार्ट करिए, शुरू करिए। तो मैं फिर उन्होंने कहा कि मैं इंशाल्लाह जल्द कोई करांगी, क्योंकि साढ़े टाइम का बड़ा फर्क है। वैसे तो मैं आ जावा दिन में तो मैं आ जावा, पर उत्थे मसरूफ होंगे ने सारे अपने जॉब्स के सिलसिले, जिस तरह सारे फिर जो लोग फारग होंगे ने साड़ी रोटी रोटी शोटी का टाइम हो जाता है, तो फिर बड़ा टाइम का जो मसला है ना वो, क्योंकि बच्चे फिर घर होंगे ने ना, तो फिर लाइव नहीं मैं कर सकती हाँ, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं कमरे से शोर शराबा कर देंगे, ये ज़रा मुश्किल है मेरे वास्ते। तो चलो भी चाह असी पीने नाल कश्मीरी चाह, मैं कल तुम दसिया कि मिलती है बड़ी बनाई मिलती है, तो नाल उन्होंने पिस्ते पुस्ते भी दिते सन, पर पिस्ते इन्ने उन्होंने कंजूसी ना दिते, वह तो बहुत ही थोड़े सन, तो हूँ मैं लैके बैठी हाँ, मैं कहा चलो मैं चाह के आप ही अपने कट के पानी हाँ, वह तो कल ही खत्म हो गए, वो छोटी जी कुड़ी देंगे ने, पर मैं पिस्ते लैके बैठी हाँ मैं कहा चलो मैं चाह के पाव कट कट के नाल गल करा, तो नाल मैं पानी हाँ, चाह का मज़ा कश्मीरी चाह का मज़ा, तो बदम पिस्ता हो गए स्पेशली पिस्ता, पिस्ता बहुत अच्छा लगता है ये, तो फिर ही मज़ा देती है हर घुट के नाल थोड़ा जहा तू आए। तो बिस्किट भी पे ने, मैं जो खाना चाहवागी तो मैं खा लाँगी, दुनिया की कोई ताकत मैं फिर रोक नहीं सकती, दुनिया की ताकत मैं कह रही हाँ कि जो मैं मिठा खाण पर आनी हाँ ना उदो फिर मैं कुछ रोक नहीं सकता। तो ये वाले जो बिस्किट जो मेरे बड़े फेवरेट है, मैं हम देखनी हाँ कि मैं चाह पीट रख जानी हाँ या मैं कुछ नाल बिस्किट वगैरह खानी हूँ। तो एक मैं छोटी जी गल करना चाह रही सा, बिल्कुल छोटी जी, ज़्यादा टाइम नहीं लवाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम अजकल लोगों को है ही नहीं, किसी को टाइम ही नहीं, हर कोई टिकटॉक पर आ गया वे, छोटी तो छोटी गल करो तो फिर ही उन्होंने समझ आती है, बड़िया गल् समझ नहीं आदि। तो मैं ये गल करना चाहनी हाँ कि थोड़ा मेरी इस नॉलेज में एक दो चीज़ आई ने कि इन दिनों में कि रिश्ते जो बच्चिया देख जाते हैं लोग, फिर उन्होंने रिजैक्शन ला के और फिर उठ के चले जाते हैं, खाते ने पीते ने तो उतों फिर उठ के चले जाते हैं। तो खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता मैं कहना चाहवागी कि अगर कोई सुनता भी कि इस तरह का अमल ना करो, सारे धियां भैन वाले असी, तो अगर किसी बच्ची को देखना भी है किसी मतलब बहाने के नाल देख लवो, किसी सहेली के घर देख लवो, किसी शादी ब्याह से देख लवो, कोई किसी कोई बहाना करके तुसी देख लवो, ताकि वह बच्ची वो माँ बाप कि खास करो बच्ची कि परेशान होंगी है, वो दिल से की गुजरदियाँ ने कि जो फिर आँदी ने सामने ट्रे लैके जाती है और फिर उत्तर रिजैक्शन लग जाती है। तो यह बड़ा मुश्किल टाइम होंगे बच्चियों वास्ते कि उन्होंने एक नवी जिंदगी भी माँ बाप चाहते हैं कि असं इन्हों के फर्ज तो फारग होइए, सबुक दोष होइए, पर है कि देख वास्ते आते इस तरह लगता है कि कोई भेड़ बकरियां देख आए हैं, तुसीं इंसानां दे नाल राबता रखते हो, तुसीं तरीके दे नाल देखो ताकि वह बच्ची जिहड़ी है वह की कहिंदे ने उन्हूं तकलीफ ना होवे। दो दो साल तीन तीन साल लोग रिश्ते देखते हैं, एक उन्हां दा समझो हॉबी बन गई है लोगों की,
ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਾ, ਇੱਧਰ 20-20, 30-30 ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਈ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦੇਖਣ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪਿਸਤਾ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਿਸਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਾਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੀਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਦੇਖਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤਾ ਗਰਮ ਘੁੱਟ ਪਾ ਲਓ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਬਹਿਰਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਓ। ਮੁਨਾਸਿਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਧੀ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਬਹਿਰਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਸਾਂ, ਕੁਛ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਟਾ ਚਾਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਧੁੱਪੋਂ ਹੀ ਕਾਹਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਬੋਤਲ ਲੈ ਆਵੋ, ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਿਸਤਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਪੀ ਲਵੋ ਚਾਹ। ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਈਓ, ਕੋਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੋਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿੱਬਤ ਗੋਲਡ ਕਰੀਮ ਢੂੰਡਦੀ ਪਈ ਸਾਂ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਮਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਗਰਮ ਕੀਤੀ, ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਲੋਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਈ ਜਾਮ ਸੇ ਜਾਮ ਟਕਰਾ ਲਏ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।